हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ जोन वुमेंस वर्सेस वेस्ट जोन वुमेंस टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 14 आवर्स 30 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अंसर देखा जाए तो एक कल सुबह 11 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिच के बारे में बात करते हैं। ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करा जाए तो 110 से 120 रन तक बन सकते हैं और ये पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम से मेरा लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। @jhofantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया है दोस्तों, आप इसमें भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है। इसमें 863 सब्सक्राइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करना दोस्तों। इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो आप 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा। इसी तरह आपको भी विन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% विन करेंगे, क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन है दोस्तों और एक नया ऐप है दोस्तों। इसमें मनी आप इजीली अर्न कर सकते हैं, इसमें लो कंपटीशन होता है दोस्तों। माय मास्टर 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते ही शो हो जाएगा और आप तुरंत डाउनलोड कर लेना। आप मनी इसमें इजीली अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूँ, वाई भाटिया को। वाई भाटिया ने लास्ट मैच में 20 बॉल खेला था दोस्तों और 24 रन मारा था लास्ट मैच में। 20 बॉल खेल कर 24 रन। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने एस शेख को पिक करूँगा, एस दीप्ति को और एस पटेल को और एल नेत्रा को। मैंने पूरे 4 बैट्समैन को पिक कर लिया दोस्तों। उनका स्टैट्स के बारे में बात करें, एस शेख ने लास्ट मैच में 8 बॉल खेल के दोस्तों 10 रन मारा था लास्ट मैच में। इतना अच्छा बैटिंग है क्या दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट प्लेयर है वेस्ट जोन वुमेन टीम के लिए, आप इनको 100% पिक करना। और एस दीप्ति के बारे में बात करते हैं, एस दीप्ति ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों, 26 बॉल खेल के 43 रन। कमाल का बैटिंग किया दोस्तों लास्ट मैच में, 26 बॉल पर 43 रन। और एस पटेल के बारे में बात करें तो एस पटेल ने लास्ट मैच में 3 बॉल खेल के 2 रन। और एन नेत्रा के बारे में बात करें, एन नेत्रा ने लास्ट मैच में 20 बॉल खेल के 20 रन मारा था दोस्तों और 3 ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। लास्ट में से बैटिंग भी कमाल का किया दोस्तों, बॉलिंग भी। लास्ट में से 20 रन मारा था दोस्तों, 2 विकेट भी लिया, कमाल का ऑलराउंडर है दोस्तों। आप इनको 100% पिक कर लेना। मैंने 4 बैट्समैन को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। आप ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने सेके पांडे को पिक करूँगा और टी पठान को। मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक कर लिया। इनका लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात कर देते, सेके पांडे ने लास्ट मैच 6 बॉल खेला था दोस्तों, 5 रन मारा था और 3 ओवर डाल के 3 विकेट भी लिया था दोस्तों। लास्ट मैच में 3 ओवर डाल के 3 विकेट लिया था। लास्ट मैच में 5 रन मारा दोस्तों, 3 ओवर डाल के। बॉलिंग तो कमाल का किया दोस्तों, बैटिंग तो लास्ट मैच में इतना अच्छा नहीं किया लेकिन बॉलिंग कमाल का किया। 3 ओवर डाल के 3 विकेट लिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके हैं। आप इनको 100% पिक करना। और टी पठान के बारे में बात कर, टी पठान ने लास्ट मैच में 18 बॉल पर 22 रन मारा था दोस्तों और 4 ओवर डाल के 0 विकेट। बैटिंग तो अच्छा किया दोस्तों लेकिन बॉलिंग में तो विकेट नहीं मिला दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, आप इनको 100% पिक कर लें। बॉलिंग भी अच्छा करता दोस्तों, इनको 100% पिक कर लें। लास्ट में जो 22 रन मारा है और 4 ओवर डाल के 0 विकेट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, इनको 100% पिक कर लेना। मैंने ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। आप बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने एक और ऑलराउंडर को पिक करूंगा,
एम मीनू को। एम मीनू ने लास्ट मैच में 8 बॉल खेला था दोस्तों और 11 रन मारा था, वो 2 ओवर डाल के 0 विकेट। लास्ट मैच में मीनू को तो विकेट नहीं मिला दोस्तों, लेकिन बैटिंग भी इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन एम मीनू एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है साउथ जोन वुमेन टीम के लिए, इनको आप 100% पिक कर लेना। मैंने ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर को पिक कर लिया हूँ। बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने एस पटेल को पिक करूँगा और एन चावड़ा को और एस पोकोखर को। पूरा मैंने 3 बॉलर्स को पिक कर लिया दोस्तों। का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, एस पटेल ने लास्ट मैच में 15 बॉल पर 16 रन मारा था दोस्तों और 1 ओवर डाल के 1 विकेट भी लिया था दोस्तों। लास्ट में से कमाल का बैटिंग किया दोस्तों, एक बॉलर है 16 रन मारा और 1 विकेट भी लिया। कमाल का बॉलर है दोस्तों, कमाल का बैटिंग भी कर लेते हैं। एस पटेल एक इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लें। एस पोकोकर के बारे में बात करते जाते हैं, एस पोकोकर ने लास्ट में से 10 बॉल पर 6 रन मारा था दोस्तों, 3 ओवर डाल के 1 विकेट भी लिया था लास्ट मैच में। एस पोकोकर भी एक इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक करना। और एन चावड़ा के बारे में बात करें तो एन चावड़ा ने लास्ट मैच में 2 बॉल खेला था दोस्तों, 0 रन और 4 ओवर डाल के 0 विकेट। लास्ट मैच में तो बैटिंग भी डक आउट है दोस्तों और बॉलिंग में भी विकेट नहीं लिए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है एन चावड़ा, इनको आप 100% पिक कर लेना। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया और ऑलराउंडर में मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया। बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊंगा वाई भाटिया को, और वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो सिक्का पांडे को बनाऊंगा। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया वाई भाटिया को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, एस पटेल, एल नेत्रा, एस शेख और एस दीप्ति को, और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर को पिक किया सिक्का पांडे, टी फटान और एम मीनू को, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया एस पटेल, एन चावड़ा और एस पोकोखर को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर वो लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।